Audio Jungle. मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। मैं किसान एकता मोर्चे आईटी सेल का हेड हूं और पिछले एक महीने से इसको चला रहा हूं। और बातें कुछ सामने आई थी कि हमारे ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहा था कि हम लोग इसको कनाडा से अपरेट कर रहे हैं या इसकी फंडिंग बाहर से ले रहे हैं। ना तो हम लोग इसको कनाडा से अपरेट कर रहे हैं, हम लोग इसको इधर ही दिल्ली बॉर्डर पे ऊपर अपरेट कर रहे हैं, जहाँ पंजाब से, जहाँ हरियाणा यूपी ये वाली मतलब भारत से हम लोग इसको अपरेट कर रहे हैं। हम कहीं भी कनाडा से अपरेट नहीं कर रहे। हाँ, सॉफ्टवेयर जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं हम भारत से भी ले सकते हैं, हम कहीं यूएस से भी ले सकते हैं, कनाडा कहीं से भी ले सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेकंडली एक क्वेश्चन ये भी रेज हुआ था कि हम फंडिंग जो हमारी फंडिंग है वो बाहर से है, हम लोग फंडिंग कहीं से भी नहीं ले रहे। बाहर की तो छोड़िए, हम लोग भारत से भी किसी से फंडिंग नहीं ले रहे और हमने ये ओपनली ये बात बोल चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारी वीडियो डली हुई है, लाइव सेशन है, बीबीसी ने में आई थिंक कवर करा हुआ है कि हम लोग फंडिंग नहीं रेज करेंगे। हमारे नाम पे अगर कोई फेक पेज बना के आपसे फंडिंग की डिमांड करता है, किसी को फंडिंग मत दीजिए, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो यूनियंस हैं हमारी, जो संयुक्त किसान मोर्चे में जितनी यूनियंस हैं, वही जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं उनको बोल देता हूँ, जो कमेटी वहाँ पर है वो मुझे प्रोवाइड करवा देती है। सो हम फंडिंग वगैरह कुछ भी रेज नहीं कर रहे। कितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ? अगर मैं बात करूं कितने लोग जुड़ चुके हैं तो अभी अभी तक हमारे सब्सक्राइबर अप्रॉक्सीमेटली टुगेदर 25 लाख के आसपास हैं, 25 लाख हो सकते हैं। और जो रीच है हमारी, रीच हमारी तकरीबन 17-18 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, जैसे कल मैंने विज्ञान भवन से अंतर से लाइव करा था, उसकी तकरीबन 6 लाख के आसपास रीच गई थी। और जो हमने कल रात को राज्यवाल जी का लाइव करा था उसकी भी तकरीबन 5.5 लाख रीच गई थी। सो हमारा जो मोटिव था पहले दिन से वो पूरा हो रहा है। सेकेंडली हम इसको मोनोटाइज नहीं कर रहे, ना ही हम इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं, ना ही हमने सुपर चैट ऑन करी है। सो ये पैसे बनाने का सोर्स नहीं है, ना ही फंडिंग लेने का सोर्स है। ये किसान जथेबंदियों का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का जरिया है। मैं गल दस दिना कि एक आईटी सेल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का आइडिया किवें आया। महाराज नूं हाजर नजर मन के कह रहे हैं, जी न्यूज ने साडे खिलाफ प्रोग्राम चलाया डीएनए दे विच ते प्राइम टाइम दे विच। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਬੁੱਕ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਜੇ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।